राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में होने लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार लोकेश शर्मा ने रविवार को राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात की। बता दें, साल 2018 में कांग्रेस सरकार बनने और फिर 2020 में हुई बगावत के बाद 5 साल में लोकेश शर्मा और सचिन पायलट की ये पहली मुलाकात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा और सचिन पायलट के बीच लगभग 30 मिनट की ये मुलाकात हुई है, लेकिन इस पहली मुलाकात के कई तरह से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी के राजस्थान दौरे के बाद ये मुलाकात हुई है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। और सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि लोकेश शर्मा बीकानेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सचिन पायलट से मुलाकात की है। दौसा में प्रियंका गांधी की जनसभा में पिछली सीट पर लोकेश शर्मा को बैठे हुए देखा गया था, लेकिन इस मुलाकात के बाद ओएसडी लोकेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हमेशा सिर्फ मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकारी के रूप में क्यों देखा जाता है? मुझे कांग्रेस ने सेंट्रल टीम का, पीसीसी का जो वॉर रूम है उसका को चेयरमैन भी तो बना रखा है। आगे चुनाव है, अब चुनाव में हमें जाना है, एकजुट होके जाना है, तो उसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करने सचिन जी के पास आए। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो इनकी जो सलाह है, इनका जो मार्गदर्शन है, उसी से आगे बढ़ेंगे सब लोग मिलके, है ना। तो आज की मुलाकात नहीं, पॉइंट्स तो क्या, जो बात थी वो मैंने बता दी कि भाई अब आगे हम चुनाव में जा रहे हैं तो किस तरीके से हम सब लोग और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, तो जो भी उन्होंने डायरेक्शंस दिए उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे हम लोग। तो आपने सुना, लोकेश शर्मा ने बताया कि दोनों के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, और साथ ही लोकेश शर्मा ने ये भी कहा कि मैं सिर्फ सीएम का सलाहकार ही नहीं हूं, बल्कि वॉर रूम का उपाध्यक्ष भी हूं। आगे चुनाव सामने आ रहे हैं, ऐसे में चुनाव से जुड़े मुद्दों पर हमने बातचीत की। सचिन पायलट हमारे सीनियर नेता है, उनकी सलाह हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार।